आज मसाला किचन में बन रही है ऐसी कुरकुरी जलेबी, इतनी इंस्टेंट जलेबी कि बस 15 मिनट में जलेबी बनकर तैयार हो जाएंगी। और हाँ, आपको पता है एक कप मैदे से कम इसमें 100 जलेबियाँ बना सकते। आज मसाला किचन में बन रही है दुनिया की सबसे छोटी जलेबी। जितनी ये छोटी है उतनी ही ये क्रिस्पी और लाजवाब है। इसे आपने कहाँ खाया मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए। तो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही इंस्टेंट बनेंगी, टेस्टी बहुत बनेंगी और बहुत ही सरल भी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले एक चाशनी बना लेते हैं। एक कप भर के मैंने चीनी डाल दी है और आधा कप डालेंगे हम पानी। चाशनी को बना लेते हैं। इसमें डाल रही हूँ मैं 1 से 2 इलायचियाँ तोड़ के। इसे हमने गैस पर चढ़ा दिया है क्योंकि जलेबी है, हम कलर तो डालेंगे ही, पर अभी आप केसर है तो केसर भी डाल दीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट ये जलेबी हमें लगी थी और देसी घी की जलेबी है, आप चाहें तो इसे किसी में भी बना सकते हैं और जब मन करे इसे सिर्फ आधे कप से भी आप बना सकते हैं। अब इसको देख लेते हैं कि चीनी तो घुल चुकी है, ये चाशनी कैसी है। ये हमें गुलाब जामुन से थोड़ी सी गाढ़ी चाहिए, थोड़ी सी गाढ़ी मतलब एक तार पूरी बनी ना हो, बस बनने वाली हो। अब गैस को हम बंद कर देते हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। यहाँ लिया मैंने एक बड़ा सा बोल जिसमें मैंने 1 कप ले लिया मैदा। एक कोई भी कटोरी ले लीजिए या एक कोई भी कप ले लीजिए, मैंने एक मेजरिंग कप ले लिया है मैदा भर के। यहाँ ले रही हूँ मैं 1/4 कप दही, जो नॉर्मल हमारे घर में दही होता है वो ये लीजिए। ये मैं क्या डाल रही हूँ, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब इसे धीरे धीरे इसका घोल बनाइए। इसका घोल आपको खास ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो मैं वो भी सब्स्टिट्यूट आपको बताऊंगी कि उसके बदले हम क्या डालें। इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, इस मैदे को आप अच्छे से मिक्स कीजिए। हमें कोई फर्मेंट नहीं करना है, बस इसको हाल ही हमें अभी बनानी है जलेबी। ये देखिए काफ़ी थिक है, मैं इसे हाथों से एक बार कर लेती हूँ क्योंकि ये मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी, हमें ऐसा चाहिए। ये देखिए बहुत ही फटाफट ये बन जाएगा और इसे हम बनाएंगे घी में। घी रख दिया है मैंने एक फैली हुई कढ़ाई में। अब यहाँ डाल रहे हैं हम थोड़ा सा कलर, बसंती कलर जिसे ऑरेंज कलर कहते हैं। लिक्विड है तो और बहुत बढ़िया, अगर ड्राई कलर है तो थोड़ा पानी में घोल कर डाल दीजिए। मैंने बहुत ही लाइट कलर ही डाला है, ये देखिए। और हाँ, थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था मलाई पूरी जो शादियों में बनती है, तो ये जलेबी भी हमें अक्सर शादियों में मिलती हैं। तो जो रबड़ी मैंने मलाई पूरी के साथ बनाई थी वो रबड़ी आप इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें गरम करके 1 चम्मच आप घी डाल दीजिए जिससे ये जलेबी काफ़ी क्रिस्पी बनेंगी। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास कोन ना हो, वो जो बोतल होती है जलेबी वाली वो ना हो, जो हलवाइयों के पास कपड़ा होता है जलेबी वाला वो ना हो, तो आप दूध की कोई भी थैली ले लीजिए, उसे साफ कर लीजिए और उसी में ये मिश्रण डाल दीजिए। तो अब आपको कोन की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसको कट लगा दीजिए, क्योंकि हमें छोटी जलेबी चाहिए तो मैंने बहुत ही छोटा सा कट लगाया है, ये देखिए। अब यहाँ पर एक खास बात, जब हम ऑयल में कढ़ाई में जलेबी डालते हैं तब बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, लेकिन गरम पहले से करके रखिए और जब हम डाल रहे हैं तब गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो। अब जैसे ही हम पूरी जलेबी डाल चुके होंगे तब आप फ्लेम फिर से बढ़ा देंगे। ये खास बात है, ये देखिए कितनी छोटी छोटी, अभी तो मैं बहुत बड़ी बड़ी बना रही हूँ, जहाँ मैंने खाई थी वो तो और भी छोटी छोटी जलेबी थी और यही बहुत सारी जलेबियाँ बन गई थी। 1 कप मैदे से कम काफ़ी सारी जलेबियाँ बन जाएंगी, आप गिनते रह जाएंगे। बस अब फ्लेम बढ़ा दिया, अब इसे पलट लीजिए। 1 मिनट बाद आप धीरे धीरे पलटते जाइए। अब जब भी आपका मन करे जलेबी खाने का सुबह नाश्ते के टाइम, तो बढ़िया सी जलेबी बनाइए और एंजॉय कीजिए।
चाशनी भी हमारी बन ही चुकी है। चाशनी में भी हमें थोड़ा सा कलर डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जलेबी का कलर काफ़ी लाइट है। और हाँ, अगर आप घर में बना रहे हैं मतलब बिना कलर के भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्योंकि मार्केट में कैसे मिलती हैं तो ये मुझे दिखाने के लिए मुझे चाशनी में भी थोड़ा सा कलर डालना पड़ा है। ये बहुत ही रसीली भी होंगी और चाशनी में बहुत ज्यादा टाइम नहीं रखना है, सिर्फ 1 मिनट मुश्किल से। 1 मिनट से भी कम टाइम रखा है, इसे हम एक जाली पर निकालते जा रहे हैं क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा रसा होगा वो नीचे गिरेगा। ये देखिए, अब 1 कप मैदे से आप देखिएगा ढेर लग जाएगा जलेबियों का। क्या आपने भी इतनी छोटी छोटी जलेबी कहीं खाई है? अगर खाई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बेकिंग सोडा डालने से होता ये है कि थोड़ी देर बाद वो बहुत ही सौगी सौगी सी हो जाती हैं। बेकिंग पाउडर से आप जितनी देर आप रखेंगे क्रिस्पी ही मिलेंगी। सुबह बनाएंगे रात तक आपको ये क्रिस्पी मिलेंगी। और हाँ, बाय चांस आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप थोड़ा सा इनो डाल सकते हैं, मतलब इस 1 कप मैदे में 1 छोटा चम्मच इनो डाल सकते हैं। पर इनो से भी ज़्यादा मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर सुबह से रात तक आपको क्रिस्पी रखनी है तो आप बेकिंग पाउडर डालिए। बीच बीच में जब फ्लेम ज़्यादा फुल हो जाती है तो मैं इसका फ्लेम बंद कर देती हूँ जब जलेबी डालती हूँ, उसके बाद मैं फ्लेम ऑन कर देती हूँ। तो ये ध्यान आपको रखना होगा। ये देखिए कितनी बढ़िया सी ये जलेबी बन रही है। ये जो बीच में आपको काला काला दिख रहा है ये इलायची के दाने हैं। तो देखा आपने जलेबी को कितनी बढ़िया बन रही है, जितनी छोटी है उतनी क्रिस्पी है और 15 मिनट में बनकर तैयार हो रही है। अभी बहुत सारा मिश्रण रखा हुआ है, अभी हम कोन में भी डालकर बना सकते हैं। कोन को भी आपको बहुत छोटा सा काटना है और मैं आपको थोड़ी बड़ी जलेबी भी बनाकर दिखाऊंगी अगर आपको ये छोटी जलेबी नहीं बनानी है तो। घी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। ये देखिए कोन से तो और ही बढ़िया बन रही हैं छोटी छोटी जलेबी। मैंने आपको पहले 1 रुपये की कचौड़ी भी यहाँ की आपको फेमस बताई है, आज यूँ समझ लीजिए ये 1 रुपये की जलेबी लग रही है। बिल्कुल उसी कलदार की तरह छोटी छोटी जलेबियाँ बन रही हैं। जब कभी आपको किसी प्रसाद के लिए बनानी हो तो ये बहुत ही बढ़िया है, ये काफ़ी लोगों में बढ़ सकती है। अब देखिए आप इसी मिश्रण से थोड़ा बड़ा कट लगा लीजिए और बड़ी बड़ी जलेबी भी बना सकते हैं। इन जलेबियों को देखकर आपके मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत ही क्रिस्पी सी जलेबी बनेंगी कि बस मज़ा ही आएगा। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना भूल गई, जब हम घी कढ़ाई में डालते हैं तो हमें काफ़ी सारा घी नहीं डालना है। अगर बहुत ज़्यादा घी होगा तो जलेबियाँ तैरने लगती हैं तो आपको दिक्कत होगी। तो हमेशा 1/2 इंच ही बस घी रखिए, ज़्यादा नहीं। और कढ़ाई जो हो वो फैली हो, चाहे लोहे की कढ़ाई हो या कोई भी कढ़ाई, आप किसी में भी इसे बना सकते हैं। 1 कप चीनी से 1 कप मैदे से ढेर सारी जलेबियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। ये देखिए, तो चलिए मैं बता ही देती हूँ इतनी छोटी छोटी जलेबी हमने कहाँ खाई थी। भाई हमने तो खाई थी लखनऊ में, इतनी छोटी छोटी जैसे 1 रुपये का जो सिक्का होता है, बस इतनी छोटी छोटी जलेबी। और इतनी टेस्टी, इतनी क्रिस्पी, एक बार में एक ही जलेबी को मुंह में डाल दीजिए, मज़ा ही आएगा। चाहे 10 बार आप जलेबियाँ खा सकते हैं एक ही टाइम में। मैंने देखिए जो मेरे पास मिश्रण बचा था मैंने काफ़ी सारी आपको बड़ी बड़ी जलेबी भी बनाकर दिखा दी। अब ये च्वाइस आपकी है कि आपको बड़ी बनानी है या छोटी बनानी है। एक बार आप छोटी जलेबी बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी। यहाँ मैं आपको एक ख़ास बात बता रही हूँ, जब हम जलेबी फ्राई कर लेते हैं वो क्रिस्पी कितनी है यहाँ आप देख लीजिए, बहुत ही क्रिस्पी हैं। तो जलेबी ये क्रिस्पी रहेंगी तभी ये बहुत ही टेस्टी बनेंगी। जो जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं वो सारी फॉलो कीजिए। ये देखिए मैं सर्व करने जा रही हूँ इन जलेबी को, आप चाहें तो इसे रबड़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अंदर से रसीली हैं, बाहर से क्रिस्पी हैं, ये खास बात है इस जलेबी की।
एक कप चीनी की जो चाशनी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, इससे ज़्यादा चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो चाशनी बचे ऊपर से आप डाल दीजिए। ये अनोखी जलेबी आपने कहीं नहीं खाई होगी, अगर खाई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस तरीके से वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न कीजिए। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को।